अब अगले वक्ता के रूप में झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपा सोरेन जी से आग्रह करेंगे, आप आए और उपस्थित जनता के माध्यम से संबोधित करें।
कहा था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया, नौकरी भी नहीं दिया। बेरोजगार युवकों को कहा था कि 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे महीना में, वो भी इन्होंने नहीं दिया। और इसलिए आज जरूरत है कि सरकार को बदलने की, इस राज्य में परिवर्तन करने की, और जो इस राज्य के गरीबों की चिंता करे, माँ बहनों की चिंता करे, वैसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाने का है। यही परिवर्तन के लिए आज ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। और इसलिए मैं इतना ही सिर्फ निवेदन करूंगा, आज आप देख रहे होंगे नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं रहे, लेकिन उन्हें मौत दिया है। अब सरकार को क्या हड़बड़ी है कि उन्हें पता है कि कुछ दिनों के बाद चुनाव की ही घोषणा हो जाएगी, तब भी बच्चों को दौड़ा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते आज 19 बच्चे मर चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जॉब दे नहीं रहे, मौत सरकार दे रही है। यहाँ के भी धनवार के बच्चे कल दौड़ते उनका मृत्यु हो गया है। अब कितनी दुखद है, जवान बच्चे मर गए विरंची राय। अब जरा सोचिए, उन सब के लिए मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और मैं फिर से यही कहूंगा कि सरकार झारखंड के नौजवानों को रोजगार दे नहीं रही है, मौत दे रही है। ऐसी सरकार को हमें बदलनी है, ऐसी सरकार को हमें परिवर्तन करनी है झारखंड में। यही निवेदन, यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जय जय श्री राम। अब हम आमंत्रित करेंगे आज परिवर्तन यात्रा के मुख्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले, वैसे हमारे चाणक्य माननीय श्री अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और उपस्थित जनता जनार्दन को आप संबोधित करने का कष्ट करेंगे। जय जय श्री राम। अमित भाई जी का जय श्री राम। अमित भाई जी का जय श्री राम। माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जय श्री राम। अभी हम सबों के बीच में है मध्य प्रदेश, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या होगा गिड़ी वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी महाराष्ट्र में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ पर अभी अभी पधारे देश के कृषि मंत्री, हमारे चुनाव प्रभारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, श्री बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसी हमारी साथी मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, श्री केदार हाजरा जी, रविंद्र राय जी, महादेव दुबे जी, दुले जी, और आज इस सभागार में और सभागार के बाहर हजारों हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज यहां सबसे पहले बाबा झारखंडी धाम के चरणों में, मां चंचला देवी के चरणों में
और ध्वजाधारी मंदिर के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हेलीपैड से सीधा झारखंडी धाम जाने निकला, मगर पूरा रास्ता ब्लॉक है, पब्लिक ही पब्लिक है, लोग ही लोग है। आऊंगा फिर से, बाबा का दर्शन भी जरूर करूंगा, परंतु एक बार कहकर जाता हूं, बाबा का चरणों में एक वादा कर जाता हूं, अब भाजपा की सरकार बना दो, झारखंडी बाबा का धाम पूरे भारत में मशहूर हो, ऐसा पर्यटन का स्थान हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज सुबह आदिवासी क्षेत्र में पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई, आज दूसरी यात्रा गिडी से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा है और तीन यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है, ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का ये यात्रा है। ये जो सरकार है, ये सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरडी में और गिरडी वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर बिराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर बिराजते हैं और यहां पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा, मैं तो गिरडी की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, दो तिहाई बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है, कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। अरे युवाओं, मुझे बताओ, ये पैसा जो है ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है, आलमगीर ने कमाया हुआ है? अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी एलायंस की सरकार लूट कर अपने घर में ले गई है। और भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा
इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, ये कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। जब लागू होती थी तो राजीव गांधी ने विरोध किया। ये कांग्रेसी थी जिन्होंने 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी, 16 जातियों को पिछड़ा जातियों में उमेरा, और इसके साथ एमबीबीएस एमडी और ओबीसी के दाखिलों में 27% आरक्षण नीट में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सभी जगह 27% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, ये वादा खिलाफ ही करने वाली सरकार। इतने सारे युवा यहां बैठे हैं, किसी को बेकारी भत्ता मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है? इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता मिलेगा, कहां गया? 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मिली है क्या? जोर से बोलो, मिली है? अरे अयोग्यता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण दौड़ा दौड़ा कर हमारे युवाओं को मौत के घाट उतारने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने करा है। भाइयों बहनों, उन्होंने सदनों के सारे मसले, मूल निवासियों के मसले हल करने का कहा था, एक भी समस्या हल हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? ये खामोश रहने वाली और वादा खामोश रहने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही केंद्र में 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया, जरा हिसाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं कई बार पूछा, ये हिसाब नहीं देते, मगर मैं लेकर आया हूं। यूपीए ने, इंडी अलायंस ने 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? अरे बोलो, 84,000 करोड़ कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ की जगह 3,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के दिल में झारखंड है। अभी मुझे शिवराज जी बताते थे, घुधुम बारिश हो रही थी, सब समझ रहे थे कि अब मोदी जी नहीं आएंगे, मगर झारखंड वासियों को मिलने के लिए 120 किलोमीटर रोड पर जाकर मोदी जी ने बरसती बारिश में झारखंड की सभा को संबोधित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आजादी के इतिहास में कहीं पर भी कोई प्रधानमंत्री ने इतना लंबा रोड पर फासला काटकर लोगों को मिले हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने दलितों का भी अपमान किया है, अंबेडकर जी को पूरा जीवन अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मऊ में अंबेडकर जी का जन्मस्थान, लंदन में अध्ययन करे था वहां स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि,
दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर पांच तीर्थ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आ जाया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करेगी, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा विडंबना वाला प्रदेश है जो देश में सबसे समृद्ध, झारखंड की भूमि के अंदर इतना खनिज है जो पूरे देश का खजाना भर सकता है, मगर झारखंडी गरीब। यहां से नौकरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल तक जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूं एक बार पूर्ण बहुमत की, दो तिहाई बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए, रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी, झारखंडी के पास चली आएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का स्वप्न लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा माताओं बहनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से आई है और ये परिवर्तन यात्रा युवाओं को रोजगारी देना, मेरे आदिवासी भाइयों का कल्याण करना, पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना और दलितों का कल्याण करना इस उद्देश्य से आई है। मेरा आप सभी से अपील है कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाइए। मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं चलता, जोर से बोलो, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दो तिहाई भाजपाइयों को जिताओगे? हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ कर फेंक दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप भाजपा सरकार बनाइए और झारखंडी बाबा का भव्य धाम बनाने का इंतजाम कर दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।